गुड मॉर्निंग, मैं संजय मिश्रा, वेस्टीज स्टार डायरेक्टर, आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सब लोग अपने घर पे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम सब अपने घर पे रहें, क्योंकि घर पे रह के आज हम अपना देश प्रेम या लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये हमें एक मौका मिला है, भगवान ने ये एक मौका दिया है कि हम घर पे रह के लोगों की सेवा करें, क्योंकि हम वैसे सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम अपने घर पे रह के लोगों की सेवा करें। थैंक यू। अब जिस चीज़ के लिए हम आपके साथ इधर आए हैं उसकी बात हम करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे बिज़नेस प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, और जानने के बाद भी अनजान बन जाते हैं लोग। ये नहीं समझते कि ये कितनी ज़रूरत है हमारी। आज के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही संकट भरा है, आर्थिक तंगी आने वाली है, और उससे अगर हमें उबरना है तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर ज़रूर गौर कीजिए, ज़रूर ध्यान दीजिए। इससे हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप सब लोग समझ गए होंगे, इसको डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, और लोगों का आइडिया अपने आप ही हो जाता है। बेसिकली हम लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि ये कोई बेकार का काम है या जिसके पास कोई काम नहीं वो ये काम करता है। बट सच्चाई ये है कि इस बिज़नेस ने दुनिया को सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए हैं। इस बिज़नेस ने लोगों के सपने को पूरा किया है। भारत सरकार इस बिज़नेस को सपोर्ट कर रही है, चाहती है कि लोग ये काम करें। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है कि ये बिज़नेस है क्या, ये तो समझो। लेकिन फिर भी हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग कुछ मांग के कुछ मिले तो हम सोचते हैं कि मिल गया, अगर बिन मांगे कुछ मिले तो हम सोचते हैं कि ये बेकार है करके। एनीवे, मैं जिस बिज़नेस की बात करने जा रहा हूँ उसको मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये बिज़नेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए, हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग क्यों भागा दौड़ी करते हैं, काम क्यों करते हैं, हम अपना काम क्यों करते हैं, वर्क क्यों करते हैं, इसके पीछे एक ही रीज़न है, पैसा, मनी। पैसे के लिए ही हम लोग भागते हैं, चाहे हम बिज़नेस करें चाहे हम जॉब करें। क्या पैसा सब कुछ होता है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, ये आप और हम सबको ही जानते हैं। इसीलिए हम पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन पैसे के पीछे हम क्यों भागते हैं, इसका जो बेसिक रीज़न है वो है जो हमारी जो बेसिक नीड है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, हम उसको पूरा करने के लिए भागते हैं। सबसे पहले हम बेसिक नीड के तरफ भागते हैं, फिर अगर हमें कुछ और एक्स्ट्रा होता है तो हम शायद सेविंग भी करते हैं, कुछ बचाते हैं पैसे को, वो अलग अलग जरिए में जहाँ जहाँ डालना होता है वहाँ डालते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर पैसा हो जाता है तो हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने ड्रीम, अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि जो भी लोग पैसा कमाते हैं, पहले तो ये ज़रूरत है हर एक की, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, ये सबकी ज़रूरत है। उसके बाद ये आता है और उसके बाद ये आता है, ये तो सबकी सबको चाहिए ही चाहिए। अब ये जो बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड क्या होती है? ये बेसिक नीड है कि हमारे को जीने के लिए जो साधन चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें चाहिए। वो क्या होता है कि जो हमारे खाने पीने के सामान हैं, जो हम नहाते हैं, धोते हैं, बर्तन धोते हैं, फ्लोर क्लीन करते हैं, ग्लास क्लीन करते हैं, या टॉयलेट क्लीन करते हैं, या फिर हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे को दाल, चावल, आटा, नमक, तेल, बेसन, ये सब चाहिए। ये सब बेसिक नीड है। ये बेसिक नीड हम कहाँ से पूरा करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम किसी न किसी दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं। वो शॉप कैसा हो सकता है? वो हो सकता है कि आपके घर के बगल में हो, एक छोटी सी दुकान हो वहाँ पे आप ले सकते हैं, कोई बड़ा सा सुपर बाज़ार हो आप वहाँ से लेते हैं, कोई बड़ा मॉल हो वहाँ लेते हैं, आप बिग बाज़ार से लेते हैं, बिग बास्केट से लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो एक दुकान ही है, चाहे हम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले।
अब इस दुकान से हम क्या लेते हैं, हम अपनी ज़रूरत के सामान लेते हैं और लेने के बाद जितना सामान होता है उतना पैसा हम उन्हें देते हैं। जिस बिज़नेस की मैं बात करने जा रहा हूँ उस बिज़नेस में हमको क्या करना है, हमको बेसिकली यही काम करना है कि हमको अपना दुकान चेंज करना है। जहाँ से पहले हम सामान लेते थे वहाँ से नहीं लेके हमको अपनी दुकान चेंज करनी है, शॉप को चेंज करना है। अब वो शॉप का नाम क्या है शायद आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हमने टी शर्ट भी वही पहना हुआ है। उस शॉप का नाम है वेस्टीज़। वेस्टीज़ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में भारत की नंबर वन कंपनी और पूरे विश्व में इसका 63वां स्थान है। आज करीब करीब 7 देशों में ये पहुंच चुका है भारत के अलावा। प्योरली इंडियन कंपनी है, प्योरली इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है जो 7 देशों में पहुंच चुका है और इस साल के अंत तक 20 देशों में पहुंच जाएगा। पूरे विश्व में अगर इसका देखें तो इसके आज के डेट में 63वां स्थान है, जो कि अभी जब अप्रैल में दोबारा इसका रिव्यू होगा तो पता चलेगा कि ये टॉप 50 में 100% आ ही जाएगा, लेकिन आज के डेट में इसका 63rd रैंक है पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये कंपनी है वेस्टीज़। अब इस वेस्टीज़ कंपनी में हम अपना सामान ले सकते हैं। अब वो सामान हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, यानी कि हम अपने मोबाइल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या फिर हम दुकान जाके भी ले सकते हैं। और ये दुकान हर जगह अवेलेबल है, हर जगह है, छोटे छोटे गाँवों में भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है ये दुकान। आप वहाँ से जाके ये सामान ले सकते हैं, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। जब हम सामान लेते हैं और जब हम सामान को, हमको लगता है कि नहीं ये सामान बहुत अच्छा है, जो हम सामान पहले यूज़ करते थे उससे बेटर है ये, और जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी मुझे बहुत रिजनेबल लग रही है क्वालिटी के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये काम करते हैं क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने जो जान पहचान के लोग हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, उनको बताते हैं कि देखो भाई वहाँ पे जो दुकान है ना वो बहुत बढ़िया दुकान है, बहुत अच्छा सामान देता है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, ये सब चीज़ हम बताते हैं। बट वो हम ऐसे हल्के में ही बताते हैं, उसके पीछे हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं होती है कि उसको बताने से हमको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बस यूं ही बोल देते हैं क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो भी कुछ है अच्छा या बुरा एक दूसरे को शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो दुकान है, जो मैंने ये दुकान बोला है, अगर ये दुकान आपके किसी रिश्तेदार का हो, आपके भाई का हो, आपके किसी मित्र का हो, अच्छे मित्र का हो, बेस्ट फ्रेंड का हो, तो हम क्या करेंगे, तब तो फिर हम और भी जोर देते हैं कि भाई देखो वो दुकान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सामान मिलता है, प्राइस भी रिजनेबल है। हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, 100% बोलेंगे, क्योंकि वो दुकान वाकई में सामान अच्छा भी दे रहा है और वो दुकान आपके खास मित्र का है, आपके भाई का है, आपके अपनों का है। लेकिन इससे भी एक स्टेप में आगे जाना चाहूँगा, अगर आपके भाई ने या आपके मित्र ने वो दुकान खोल रखी है और उसमें आपकी भी भागीदारी है, आपकी भी हिस्सेदारी है, आपका भी पार्टनरशिप है, बेशक आप वहाँ बैठते हैं नहीं बैठते हैं, आप क्या करते हैं नहीं करते, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप स्लीपिंग पार्टनर हो, आपने कुछ पैसा लगा रखा हो, तो तब तो हम और भी बोलते हैं लोगों को, तब तो हम सोच सोच के बोलते हैं भाई कैसे हमारी दुकान और आगे चले। वो हमारी फीलिंग आती है। क्यों फीलिंग आती है? वो फीलिंग इसलिए आती है कि उससे हमारी भी कमाई होगी, सिंपल सी चीज़ है। अब ये भी कुछ उसी टाइप का फार्मूला है। वेस्टीज़ हमारी दुकान खुल गई। अब ये दुकान किसका है? ये दुकान आपके किसी जान पहचान, जो आपके मित्र हैं, उनकी ये दुकान है। आपका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन के बल पे आपको एक आईडी नंबर क्रिएट होगा, उस आईडी नंबर से आप ऑनलाइन ऑफलाइन अपना सामान ले सकते हैं। जब आप सामान लेंगे, आप जैसे ही सामान खरीदेंगे आप इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे और आप भी एक पार्टनर बन जाएंगे, सेम वैसे ही पार्टनर बन जाएंगे। उसके बाद जब आप इस लोगों को बताएंगे तो आपका बहुत बड़ा इनकम जनरेट होगा। कितना बड़ा इनकम जनरेट होगा अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कितनी तरह की इनकम है उसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, रेट कैसे कम
इसका पड़ता है या क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, हम सिंपल चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर और डिटेल में आप सामने से जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उससे आप बात करें कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, वो आपको बताएंगे। अगर वो नहीं बता पाए तो आप उन्हीं के थ्रू हम तक पहुँच सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं एक सिंपल चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपके घर में जो बेसिक नीड है, जो घर के खर्चे हैं, हम अगर दूध और सब्जी ये दो चीज़ को छोड़ दें, दूध और सब्जी ये दो चीज़ को अगर हम छोड़ दें तो कितने रुपये महीने तक का हमारा खर्चा पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैंने जितने भी लोगों से पूछा है उसमें जिसने सबसे कम बताया है उसने बताया कि 4,000 रुपये महीना तो हमारा खर्च होता ही है कम से कम, और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा बताया है उसने बताया 20,000, 20,000। ये एक अंदाजा है, उसने अंदाजे से बोला है। शायद जिसका 20,000 जिसने बोला उसका 15,000 ही खर्च होता हो सकता है, जिसने 4,000 बोला हो सकता है उसका 6,000 खर्चा होता हो, लेकिन जो उसने बोला वो फिगर मैंने यहाँ लिखा है। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो कितना होता है, 12,000। लेकिन हमारा जो देश है वो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास पीपल का ज़्यादा है, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि इसका हम आधा कर देते हैं तो कितना हो गया, 6,000। हम ये मान के चलते हैं कि दूध और सब्जी को छोड़ के बाकी जो खर्चे हैं वो सबके घर में लगभग लगभग 6,000 रुपये के आसपास का खर्चा तो होता ही होगा, थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस, एवरेज 6,000 का खर्चा होता होगा। अब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हैं, आपने क्या किया, अपने घर के लिए 6,000 का सामान खरीद लिया, चाहे वो आटा है, दाल है, चावल है, बेसन है, नमक है, तेल है, चाहे वो कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, या कुछ हेल्थ सप्लीमेंट है, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के आइटम हो, चाय पत्ती हो, कुछ भी हो, जो बेसिक जो चीज़ हम ख़रीदते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं पूरी रेंज है इसके अंदर, अगर वो हम यहाँ से 6,000 रुपये महीने का ले रहे हैं, हमें अच्छा लगा तो हमारा काम क्या है, लोगों को बताना कि भाई लोग चीज़ अच्छी है, प्राइस रिजनेबल है, तो हम लोगों को बताते हैं। लेकिन इसमें हम क्यों और ज़्यादा जोर देंगे कि भाई, क्योंकि इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, ये बिज़नेस हमारा अपना बिज़नेस है, जब हम अपना काम करते हैं तो लोगों को और भी थोड़ा बोलते हैं, और भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि अपने, मान लीजिए आपने क्या किया कि 10 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में आपने बता दिया, कितने लोगों को, 10 लोगों को, यहाँ पे मैंने 10 लोग बोला, इसका मतलब 10 लोगों को बोलने की ज़रूरत, इसका कोई ज़रूरत नहीं, आप 100 लोगों को भी बोल सकते हैं, आप 2 लोगों को भी बोल सकते हैं, आप 5 लोगों को भी बोल सकते हैं, 6 लोगों को, जितने मर्जी लोगों को बोलिए। यहाँ मैंने एक अंदाज़ा लिया है कि आपने मान लीजिए 10 लोगों को, अपने खास लोगों को आपने इस बिज़नेस के बारे में बताया, और इन्होंने भी अपने घर के लिए सामान ले रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि हम प्रोडक्ट, हमारा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा काम है सेल्फ कंजम्पशन, हम लोग अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे। जब ये 10 लोग अपने 10-10 लोगों को इस बिज़नेस में डालेंगे तो यहाँ पे हमारी टीम हो जाएगी 100 लोगों की, 100 लोग, और जब ये 100 लोग अपने 10-10 लोगों को बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 1,000 लोग। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 1,111 लोग शायद हो गए, 1,111 लोग हो गए, यानी कि आप 1,000 लोग मान के चलिए। अगर 1,000 लोग हमारे टीम में ऐसे होते हैं जो कि अपने घर का सामान खरीदते हैं तो आपकी इनकम यहाँ पे 2,00,000 रुपये महीने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपको कुछ भी नहीं आएगा, पहले आपको हो सकता है 200 रुपये आए, फिर 1,000 रुपये आए, फिर 5,000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, 1,00,000 आए, 1,50,000 आए, लेकिन यहाँ तक आते आते आपका 1-2 लाख रुपये तक आ जाता है। अब जब 2 लाख रुपये आ जाता है, 2 लाख रुपये इतने कम तो नहीं होते हैं, हो सकता है किसी के लिए कम हो, जो 2-2.5-3 लाख रुपये महीना कमाते हैं उनको 2 लाख रुपये शायद कम लगता होगा, बट वो कितने गिने चुने लोग हैं, कितने लोग हैं कि जो 2 लाख रुपये महीना कमाते हैं। और जो 2 लाख रुपये महीना कमाते हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, आप 2 लाख रुपये तो महीना कमा रहे हो, लेकिन आप 2 लाख ही कमा रहे हो, 2 लाख से 10 लाख पे पहुँचने में आपको पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे ये आपको ही पता नहीं है। बट यहाँ पे अगर एक स्टेप हम आगे चले जाएँ और यहाँ पे 10,000 लोग हो जाएँ,
तो शायद आपके साल का इनकम जितना है यहाँ पे एक महीने का इनकम होगा। तो ये सारा सिंपल प्लान है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम दोबारा कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, बट बेसिक चीज़ हमें ये देखना है कि हमने क्या किया। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की? नो, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई पैसा नहीं लगाया हमने, एक अट्ठन्नी भी नहीं लगाया। हम जितने का सामान ले रहे हैं उतना सामान ही, उतने सामान का पैसा दे रहे हैं। सामान तो हम खरीदते ही हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंपनी 30 डेज मनी बैक गारंटी भी देती है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, जो कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है उसके ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है कि अगर आपको अच्छा ना लगे तो यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट भी आप उसको वापस कर सकते हैं, तो 100% गारंटी है। तो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, पैसा एक लगता नहीं है, गंवाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी मिल रहा है। आप अपने बिज़नेस को पूरा बढ़ा सकते हैं, जोर दे सकते हैं कि आप इसको पूरे विश्व में इसको फैला सकते हैं धीरे धीरे कर। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जहां हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चाहिए क्या कि इसमें कुछ नहीं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस पिन कोड के साथ, आपका अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, अगर आप विवाहित हैं तो पति या पत्नी का नाम, स्पाउस नेम, बस ये सब कुछ चार पांच चीज़ जानकारी चाहिए, इतना ही चाहिए आपका, और कुछ विशेष जानकारी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आप अपना कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ दे दें, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई पैसा देने का नहीं है। जो भी जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा उन्हें आप ये जानकारी दे दें। गंवाने के लिए इसमें कुछ नहीं है, मिलने के लिए इसमें बहुत कुछ मिल सकता है। अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि भाई ये जो है लोगों को जोड़ने का काम है, तो जोड़ने का काम किस में नहीं होता? बगैर जोड़े हुए कहीं पे भी कुछ मिलता है क्या? कहीं पे भी देख लीजिए, बगैर लोगों की, बगैर टीम की कहीं इनकम नहीं होती। हम चाहे कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चाहे कुछ भी है, वो एक जोड़ने का एक चेन प्रोसेस ही होता है। लोग बोलेंगे कि ये जो है ना ये चापलूसी वाला काम है, लोगों को पीछे पड़ने वाला काम है। मैं बोलता हूँ किस में हमको पीछे नहीं पड़ना पड़ता है? आप सोच के देखिए, क्या हम अपने बॉस की चापलूसी नहीं करते हैं? 100% करते हैं। ये इसमें ये बेसिकली एक ह्यूमन नेचर है। लोग इसमें आपको बोलेंगे कि भाई मेरे पास लोग कहाँ हैं, लोग नहीं मिलते हैं, टाइम नहीं है। आज के डेट में अगर मैं बोलूं, टाइम ही टाइम है हमारे पास, आज के डेट में टाइम ही टाइम है। घर में हम बैठे हुए हैं, हमारे पास सिर्फ वक्त ही वक्त है। ये टाइम सिर्फ माइंडसेट का गेम है। अगर हम निकालना चाहें टाइम, तो टाइम तो अपने आप ही निकल जाता है। जो चीज़ हमें अच्छा लगता है, हम फिल्म देखने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ तो काम की बात है। लोग कहते हैं कि लोग इसमें मैं किसको बोलूँ, लोग नहीं है। सर मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि अगर आप इतने सालों से एक 5, 10, 20 लोगों को भी ऐसे नहीं हैं जो आपकी बात सुने, जाने और समझें, तो सोच के देखिए हमने क्या कमाया अभी तक। हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमने लोगों के लिए, लोगों के दिल में कोई जगह बनाई? क्या नहीं बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास लोगों की कमी नहीं है। आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार है, बस आपकी ज़रूरत है। आप एक अप्रोच करेंगे, वो 100% आपके साथ जुड़ेंगे, 100% आपके साथ आएंगे, आपकी बात को फॉलो करेंगे। अगर हम ये काम करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? देखिए मैं बहुत सारे अपने लोगों को बताता हूँ कि इसमें पैसा मिलता है, टाइम फ्रीडम होता है, फैमिली सिक्योरिटी है कि कल को हम काम करें ना करें, हम रहें ना रहें, हमारे परिवार को पैसा मिलता रहेगा, गुड हेल्थ मिलता है, पर्सनालिटी डेवलप होता है, सब कुछ होता है। बट आज एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो देश की दशा चल रही है उस हिसाब से ये हमारा एक फ़र्ज भी बनता है, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश को आगे लेके जाएं। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो हम चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को, हमारे पास इतने संसाधन नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम लोगों को दान में देते चले जाएं। लेकिन अगर हम लोगों को अपने पांव पे खड़ा कर दें, लोग खुद ब खुद पैसा कमाएं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया एक ऐसा जरिया हो जाएगा जिससे हम अपने देश को खुशहाल कर सकते हैं।
आइए इस बिज़नेस में जुड़िए। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उसे आप अपने डिटेल्स भेजिए, इस बिज़नेस में जुड़िए। गंवाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, पाने के लिए इसमें बहुत कुछ है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ है, अपने बेसिक नीड, जो हम बोल रहे थे कि हम काम करते हैं पैसे के लिए, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, और जो हम बेसिक नीड अपना पूरा करेंगे उसी बेसिक नीड से हम सेविंग भी कर पाएंगे और हम अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।